वंदे मातरम। बहादुरी भी अजीब चीज होती है। कहते हैं कि किसी के सामने खतरा आता है तो वो खुद ब खुद उससे मुकाबला कर लेता है, लेकिन उनका क्या जो दूसरों के लिए खतरा मोल लेते हैं, खतरे से लड़ते हैं, उसे हराते हैं। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी की, एक ऐसे वीर जिन्होंने 11 दिनों के अंदर 10 आतंकियों को मौत के घाट उतारा था, जो पहले से ही कहते थे कि वो अकेले नहीं जाएंगे, 10 आतंकियों को मार कर जाएंगे। एक ऐसे वीर जिन्होंने कभी ना बोलना सीखा ही नहीं था, चाहे सामने स्वयं असंभव क्यों ना खड़ा हो, और शायद इसीलिए ऊपर वाले ने भी बार बार उनकी परीक्षा ली थी, लेकिन वो हर बार नामुमकिन को मुमकिन करते गए थे। लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी उत्तराखंड के हल्द्वानी में बिंदु खत्ता नाम के एक गांव का साधारण सा लड़का, जो सैनिकों के ऐसे असाधारण खानदान का वारिस था जिनकी हर पीढ़ी ने सेना में रहकर देश सेवा की थी। पिता शंकरनाथ गोस्वामी सेना में हवलदार थे, चाचा 3 जंग लड़ चुके हैं, पिता के पिता और उनके भी पिता सब सेना में रहे, और इसी वजह से मोहननाथ गोस्वामी ने भी शुरू से ही ये तय कर लिया था अगर बनना है तो वो देश का सिपाही बनेंगे। 10th पास करते ही सेना में भर्ती की कोशिशें शुरू कर दी गई थी, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, किसी न किसी कारण वो हर बार रिजेक्ट हो जाते थे। एक एक करके 6 बार फौज ने उन्हें छांट दिया, लेकिन उनकी तो जिद थी, ना तो वो अर्ध सैनिक बल का हिस्सा बनना चाहते थे और ना ही कोई और नौकरी करने को राजी थे। उन्हें तो केवल भारतीय सेना की वर्दी पहननी थी और भारत माता की सेवा करनी थी। और आखिरकार अपनी अंतिम कोशिश में मोहननाथ गोस्वामी सेना के लिए चुन लिए गए। आपको बता दें, मोहननाथ परिवार में सबसे छोटे थे, लेकिन जिम्मेदारियां उठाने में सबसे बड़े। उन्हें अपनी यूनिट में एक तगड़े योद्धा की पहचान मिल चुकी थी। अब सेना में करीब 13 साल की नौकरी के बाद 2 साल बाद वो रिटायर होने वाले थे। बड़ी अजीब सी बात होती है कि 32-33 साल की उम्र में जब सब अपने करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं और एक सेना का जवान अपने रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा होता है। लांस नायक 2015 में अपने घर गए थे तो वो इसी तैयारी में थे कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, लेकिन इसी बीच 15 अगस्त को उनकी छुट्टियां खत्म हुई और वो वापस कश्मीर के लिए रवाना हो गए, और वहां अगस्त के महीने में स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में खलन डालने के लिए पाकिस्तान ने अपने पालतू आतंकवादी भारत भेज रखे थे, लिहाजा उन आतंकवादियों को पाकिस्तान से भी बुरी जगह यानी कि जहन्नुम पहुंचाने का जिम्मा 9 पैरा ने उठा रखा था। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी जैसे ही छुट्टी से लौटे तभी पहले ऑपरेशन के लिए रवाना हो गए। 23 अगस्त हंदवाड़ा के उस ऑपरेशन में 3 लश्कर के आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, और फिर अगले दिन 9 पैरा की टुकड़ी को फिर से ऑपरेशन पर जाने का फरमान दिया गया। पता चला था कि आतंकियों का एक दस्ता जंगलों में कहीं छुपा हुआ है। 26 अगस्त को पता चला था कि 5 आतंकवादियों का एक ग्रुप राफियाबाद के घने जंगलों में आगे बढ़ रहा था। खबर मिलते ही अब तक सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस ऑपरेशन में एक आतंकवादी ढेर कर दिया था, लेकिन 4 भाग निकले थे, और तभी चंद मिनटों में असॉल्ट टीम ऑपरेशन के लिए तैयार होकर हेलीकॉप्टर के जरिए जवानों को वहां एयर ड्रॉप कर दिया गया जहां आतंकवादियों का आखिरी बार देखा गया था। करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर पैरा कमांडो मोहननाथ गोस्वामी और उनके साथी बहुत संभल कर आगे बढ़ रहे थे। किसी भी चट्टान, किसी भी पेड़ की ओट में आतंकी छुपे हो सकते थे और कहीं से भी आक्रमण कर सकते थे। सबसे आगे चल रहे मोहननाथ ने आतंकियों को चुनौती दी, तभी आतंकियों ने गोलियां दागना शुरू कर दिया, और इसका सीधा सीधा फायदा जवानों को हुआ, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि जिस दिशा से गोलियां चल रही हैं उसी दिशा में आतंकी छुपे हुए हैं, और फिर उसी जगह को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई शुरू की गई, और उसी समय उसी जगह पर एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। अब कुछ देर की गोलीबारी के बाद आवाजें बंद हो चुकी थीं, लेकिन जिन गुफाओं में आतंकी छुपे थे वो बहुत खतरनाक थी, और कमांडोज चारों दिशाओं में फैल गए और गुफा को घेर कर अपनी पोजीशन ली ताकि आतंकी वहां से भाग ना पाए। इंतजार लंबा चला, दोपहर से शाम हुई और शाम से रात, और आखिरकार दाव कामयाब हुआ।
एक और आतंकी उसी समय ढेर हो गया। असॉल्ट टीम ने अपनी पोजीशन को और टाइट कर लिया और फिर इंतजार करने लगे। उस रात बारिश भी हो रही थी, 9000 फीट की उस ऊंचाई पर अच्छी खासी ठंड थी। सुबह की पहली रोशनी होते ही अब कमांडोज ने हाथों के इशारे से आगे की बात की और आगे बढ़ने लगे, लेकिन चंद कदम लेते ही उनके ऊपर गोलियों की बौछार होने लगी। चट्टानों से टकराकर गोलियां इधर उधर उछट रही थी। आतंकियों ने गुफा के अंदर से ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए थे। कमांडोज ने चट्टानों की ओट लेते हुए जवाबी कार्रवाई की। निशाना सटीक लगने से दूसरी ओर की खामोशी बता रही थी कि एक और आतंकी ढेर हो चुका था। अब दो दो लोगों की दो टीम गुफा के मुंह की ओर बढ़ने लगी। लांस नायक गोस्वामी ने एक चट्टान के पीछे कवर फायर पोजीशन ली और एडवांस टीम ने गुफा के अंदर चिली ग्रेनेड फेंका। गुफा के बाहर से कमांडोज ने आवाज लगाई कि अपने हथियार फेंक दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे और अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो जिंदा वापस नहीं जाओगे। कुछ देर तो खामोशी रही, लेकिन कुछ देर बाद हाथ ऊपर उठाए हुए एक आतंकी बाहर निकलता है। ये 27 अगस्त की बात थी। लश्कर के 3 आतंकी मार गए थे और एक को जिंदा पकड़ा गया था। जिंदा पकड़ा गया आतंकी पाकिस्तानी था, लश्कर का सज्जाद अहमद, जिससे पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली। अब 6 दिन बाद कुपवाड़ा के हफरुदा में एक और ऑपरेशन की बारी थी। यहां 9 पैरा की 2 टीम इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए रवाना की गई थी। लगातार 2 ऑपरेशन के बाद भी मोहन नाथ तीसरे ऑपरेशन के लिए उत्सुक थे। जानकारी मिली थी कि इलाके में एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई आतंकी छुपे हुए हैं। जंगल इतना घना था कि ऑपरेशन चलते चलते सुबह से शाम हो गई थी। रात के करीब 8 बजे हुए थे जब कमांडोज ने लगभग 100 मीटर दूर कुछ हलचल महसूस की। जवानों ने इशारे से एक दूसरे को सतर्क कर दिया था, लेकिन आतंकी उनको देख चुके थे और जवानों पर गोलियों की बौछार कर दी थी। जवाबी फायरिंग करते हुए जवानों ने कवर ले लिया। कवर लेते हुए जवानों को अब आतंकियों के छुपने की जगह का अंदाजा लग गया था। इतना साफ था कि वो ऊंचाई पर है। तभी गोस्वामी और उनके साथी कमांडो ने अपने घायल साथियों को बचाने के लिए उनकी ओर जाना शुरू कर दिया। गोलियों के बीच से ये जानते हुए कि यहाँ मौत का खतरा सबसे ज्यादा है, वो अपने साथी तक पहुंच गए और उन्हें कवर फायर देते हुए अपने घायल साथियों को वहां से निकलने के लिए कहा। लेकिन तभी एक गोली गोस्वामी के साथी को जाकर लग गई। लांस नायक गोस्वामी ने गोली की दिशा में जवाबी फायरिंग की और एक और आतंकी को ढेर कर दिया। वो चाहते तो अपनी पोजीशन पर टिके रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकी की ओर बढ़े। मोहन नाथ गोस्वामी को उस समय सिर्फ एक ही लक्ष्य नजर आ रहा था, सामने खड़े एक एक आतंकी का खात्मा। उन्होंने वापस निशाना साधा और तभी उन्हें एक गोली उनकी जांग में आकर लगी। फिर भी वो अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे। अब वो आतंकियों के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे। उन्होंने फिर एक आतंकी को मार डाला और दूसरे आतंकी को बुरी तरह घायल कर दिया। इसी बीच आतंकी की एक और गोली उनके पेट में जाकर लगी, लेकिन इस गोली ने भी कमांडो मोहन के हौसले और जज्बे को नहीं तोड़ा। आज मानो कमांडो मोहन गोस्वामी काल बनकर खुद मैदान में उतरे थे। बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी उन्होंने आखिरी आतंकी को पॉइंट ब्लैंक रेंज की गोली से मारकर ढेर कर दिया। अब तक सुबह के 3 बज चुके थे, एनकाउंटर पूरा हो चुका था। गोस्वामी के साथी ने उनको उठाया और एम्बुलेंस की ओर लेकर भागे, लेकिन तब तक लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके थे, यानी कि मोहन नाथ गोस्वामी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और यही नहीं, उन्होंने 11 दिनों में 10 आतंकियों को मौत के घाट उतारा था और इसके लिए उन्हें मरणोपरांत शांतिकाल के सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनकी पत्नी भावना गोस्वामी को दिया गया। वीर सपूत पैरा कमांडो लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की पत्नी ने उन्हें याद करते हुए कहा था कि अच्छे लोगों की जरूरत धरती और स्वर्ग दोनों जगह होती है और शायद नियति को यही मंजूर था। धन्य है वो वीरांगना जो अपने माथे के सिंदूर को हंसते हंसते मातृभूमि पर न्योछावर कर देती हैं। नमन है ऐसे वीरों को जो हंसते हंसते माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। शिवालिक जनरल पैरा कमांडो लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी के
अदम्य साहस, पराक्रम, शौर्य और बलिदान को नमन करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।